Hello friends, welcome to my channel It's Baby Live. Today I am going to discuss some user request sentences plus some more sentences. So let's have a look at them. First one is मेरे पड़ोस में रूढ़ीवादी लोग रहते हैं, मतलब जो चेंज नहीं करना चाहते अपनी थिंकिंग. कंजर्वेटिव पीपल लिव इन माई नेबरहुड. कंजर्वेटिव पीपल लिव इन माई नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स पड़ोस, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो लोग अपनी प्रथा को ही, पहले जो चल रही है, जो जैसा है वो वैसा ही चलते रहना चाहिए, उनको वही पसंद रहता है. भुट्टे से मक्के के दाने निकाल दो, इसका होगा टेक आउट और रिमूव कॉर्न कर्नल्स फ्रॉम द कॉर्न कॉब. कर्नल्स का मतलब यहाँ पे दाने होता है, और कॉर्न कॉब भी आप इसको बोल सकते हैं. वह मुँह से मक्के के दाने निकाल रहा है. ही इज़ टेकिंग आउट कॉर्न कर्नल्स विद माउथ. ही इज़ टेकिंग आउट और रिमूविंग कॉर्न कर्नल्स विद माउथ. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, क्या आप मुझे मक्के के दाने निकाल के दे सकते हो? कुड यू प्लीज़ रिमूव और टेक आउट कॉर्न कर्नल्स फ्रॉम द कॉर्न कॉब. कॉर्न कॉब, कॉर्न ऑन द कॉब, इसको बोलते हैं, सेम नेम्स होते हैं. कुड यू प्लीज़ रिमूव कॉर्न कर्नल्स फ्रॉम द कॉर्न कॉब. पंखे को 5 नंबर पे चला दो. टर्न ऑन द फैन टू नंबर 5. टर्न ऑन द फैन टू नंबर 5. नेक्स्ट वन वी हैव, ये आप किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, लाइक पंखा 1 नंबर बढ़ा दो, लाइक 4 से 5 या 5 से 6. टर्न अप द फैन बाय नंबर 1. बाई वन नंबर, लाइक 3 से 4 पे या 4 से 5 पे. या कम करवाना हो तो टर्न डाउन द फैन बाई वन नंबर, मतलब 5 से 4 पे कर दो. तो इस तरीके से कम करने के लिए डाउन और बढ़ाने के लिए अप. ओके, जल्दी करो, लिफ्ट आ गई है. हरी अप, लिफ्ट हैज़ कम. और या फिर कम फास्ट मीन्स जल्दी आओ. हरी अप, द लिफ्ट हैज़ कम. नेक्स्ट वन वी हैव, ये आप यूजुअली यूज़ कर सकते हैं. टीवी की आवाज़ तेज़ या ज़्यादा करो. टर्न अप और टर्न डाउन द टीवी वॉल्यूम. अप मीन्स बढ़ाना, डाउन मीन्स कम करना. टर्न अप और टर्न डाउन द टीवी वॉल्यूम. नेक्स्ट वन वी हैव, हम आ गए हैं. हेयर वी आर और वी हैव कम. हेयर वी आर एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है जो यूजुअली वो लोग यूज़ करते हैं, लाइक हेयर वी आर. हम यूज़ कर सकते हैं वी हैव कम अगर आप करना चाहते हो तो. यूएसए निकलने से पहले मैंने अपने पेरेंट्स के पांव छुए, इसका होगा आई टच्ड माय पेरेंट्स फीट बिफोर आई लेफ्ट फॉर यूएसए. आई टच्ड माय पेरेंट्स फीट बिफोर आई लेफ्ट फॉर यूएसए. ये एक यूजर ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए मैंने दिया है. नेक्स्ट वन वी हैव, मेरी नानी का घर हरियाणा के सीमांत पर है, मीन्स बॉर्डर पे. माई मैटर्नल ग्रैंड मदर्स होम इज़ ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ हरियाणा. ये वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ होता है. माई मैटर्नल ग्रैंड मदर होम इज़ ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ हरियाणा. आउटस्कर्ट्स मीन्स द एरिया दैट फॉर्म द एज ऑफ टाउन सिटी और स्टेट, मतलब किसी स्टेट सिटी की बॉर्डर को बोलते हैं आउटस्कर्ट्स. द फैक्ट्री इज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली, मतलब होती तो बॉर्डर के अंदर है बट उसको नाम दिया जाता है आउटस्कर्ट्स, मीन्स बॉर्डर पर. इतनी जल्दी खाना मत खाओ, तुम्हें हिचकी आ जाएगी. डोंट ईट फूड टू क्विकली, यू विल गेट हिकअप्स. डोंट ईट फूड टू क्विकली, यू विल गेट हिकअप्स. हिकअप मीन्स हिचकी. नेक्स्ट वन वी हैव, मम्मी मैंने पापा से पिकनिक जाने के लिए, मैंने पापा को पिकनिक जाने के लिए राज़ी कर लिया. मॉम आई इंड्यूस डैडी टू गो फॉर पिकनिक. इंड्यूस मीन्स राज़ी कर लेना या मनाना. मॉम I induced daddy to go for picnic. मैंने ये पैसा तुम्हारे पढ़ाई के लिए बचा के रखा है. I have set this money aside for your studies. Set aside एक phrase होता है, like set something aside, किसी चीज़ को या किसी time को किसी particular purpose के लिए बचा के रखना. That is set aside. Set money aside for your studies. बोर्ड ने सिमरन को नए मैनेजर चुन लिया है. बोर्ड ने सिमरन को नया मैनेजर चुन लिया है. बोर्ड हैज़ ईयर मार्क्ड सिमरन एज द न्यू मैनेजर. ईयर मार्क का मतलब फ्यूचर में किसी चीज़ को किस चीज़ के लिए चुनना. मैं अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती हूँ. आई ऑलवेज वॉच आउट फॉर माई किड्स. आई ऑलवेज वॉच आउट फॉर माई किड्स. वॉच आउट मीन्स ध्यान रखना.
अपनी जुबान पर काबू रखो, इसका होगा कीप गार्ड और कीप कंट्रोल ऑन योर टंग। और अगर गुस्से के लिए बोलना हो तो कीप गार्ड और कंट्रोल ऑन योर टेम्पर। टेम्पर मीन्स गुस्सा या एंगर। नेक्स्ट वन वी हैव कदम संभाल के, वॉच योर स्टेप और माइंड योर स्टेप। ये कहीं कहीं पे स्टेयर्स पे लिखा रहता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो हॉस्पिटल वगैरह में, जहाँ पे गलती से आप उन लोगों को लगता है कि आप गिर सकते हो, तो वो लिखते हैं वॉच और माइंड योर स्टेप। ये दो वर्ड लिखते हैं, माइंड योर स्टेप ज़्यादा मिलेगा आपको वॉच योर स्टेप से ज़्यादा। नेक्स्ट वन वी हैव वॉच आउट। वॉच आउट मीन्स संभल कर। ये आपको किसी चीज़ खतरे से या किसी एक्सीडेंट से जो उनको लगता है होने वाला, उसे उसके लिए अवेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वॉच आउट फॉर द थीव्स अराउंड हियर, मतलब जो यहाँ पे चोर है उनसे सावधान, संभल कर। वॉच आउट फॉर बेयर्स या बेयर से संभल कर। वॉच आउट फॉर पिक पॉकेटर्स मीन्स जेब कतरे, जेब कतरों से संभल कर। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे का ध्यान रखना, वह अक्सर गिर जाता है, तो इसे बोल सकते हैं वॉच ओवर द किड ही ऑफन फॉल्स। वॉच ओवर द किड ही ऑफन फॉल्स, ऑफन मीन्स अक्सर। नेक्स्ट वन वी हैव ओके अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। लुक आउट फॉर योर यंगर ब्रदर मीन्स, लुक आउट का मतलब होता है टू हेल्प देम एंड टेक केयर ऑफ देम, मतलब उनका ध्यान रखना, उनकी मदद करना। लुक आउट फॉर योर यंगर ब्रदर, यंगर मीन्स छोटा। अशोक के परिवार की हमारे परिवार से पुश्तैनी रंजिश है, मीन्स हमेशा बदला लेने की भावना रहती जिनमें। अशोक्स फैमिली हैज़ वेंडेटा अगेंस्ट आर फैमिली, वेंडेटा या फ्यूड इन दोनों का मतलब होता है पुश्तैनी रंजिश। वेंडेटा न्यूज़ में बहुत यूज़ होता है। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन उसे फाइल्स नहीं मिली। ही टर्न द होल हाउस अपसाइड डाउन बट ही डिडंट फाइंड द फाइल्स। टर्न समथिंग अपसाइड डाउन मीन्स हर जगह ढूंढ, एवरीवेयर फॉर समथिंग, उस प्लेस को बहुत गंदा कर देना ढूंढ ढूंढ के। आई टर्न द रूम अपसाइड डाउन लुकिंग फॉर माई कार कीज, मतलब कार कीज ढूंढने के लिए मैंने पूरा कमरा छान मारा, पूरा कमरा बिखेर दिया। इस तरीके से इसको यूज़ करना है। सड़कें पानी से भर गई, द रोड्स वर वाटर लॉक्ड, द रोड्स वर वाटर लॉक्ड। वाटर लॉक्ड मीन्स पानी पर जमा हो जाना किसी एरिया में। नाव समुद्र में उल्टी हो गई, द बोट कैप्साइज्ड और ओवरटर्न्ड इन द सी, द बोट कैप्साइज्ड और ओवरटर्न्ड इन द सी। रिसेंट जो गणेश जी के विसर्जन में इंसिडेंट हुआ था, ये उसमें बोट विसर्जन करते टाइम पलट गई। आपको सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है, मतलब काम करने में? वट इज़ योर बिगेस्ट पैट पीव। पैट पीव एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एक किसी पर्सन को कोई चीज़ काम करना बहुत बुरा, बहुत गंदा लगता है, इरीटेटिंग लगता है, तब पैट पीव यूज़ करते हैं। वट इज़ योर बिगेस्ट पैट पीव? मुझे सबसे गंदा लंबी लाइन में खड़ा रहना लगता है। माई बिगेस्ट पैट पीव इज़ स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू, लाइक ट्रैफिक, किसी का होता है ट्रैफिक, स्पैम ईमेल्स चेक करना, तो ये सब पैट पीव होते हैं जो आपको काम बहुत गंदे लगते हैं करने। यूजुअली हम टाइम पे, वी अराइव्ड टू स्टेशन इन टाइम, अराइव टू स्टेशन इन टाइम। नेक्स्ट वन वी हैव उसने मेरा कैमरा उधार लिया और तोड़ दिया। उसने मेरा कैमरा उधार लिया और तोड़ दिया। ही बोरोड माई कैमरा एंड ब्रोक इट, ही बोरोड माई कैमरा एंड ब्रोक इट। यूजुअली नेबर्स लेते हैं कोई चीज़ें और वो तोड़ देते हैं, फिर आप बोलते हैं इसे, जो 5,000 रुपये मैंने तुम्हें उधार दिए थे उनका क्या हुआ? वट हैपेंड टू दैट 5,000 रुपीज़ दैट आई हैड लेंट यू, वट हैपेंड टू दैट 5,000 रुपीज़ आई हैड लेंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, ये यूजुअली आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं जिसको देते हैं आप पैसे उधार। पे डे क्या होता है? जिस डे पे एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी मिलती है, द डे ऑन विच एम्प्लॉय रिसीव देयर सैलरी। कैन यू लेंड मी ₹2,000 अंटिल पे डे, मतलब पे डे से पहले के लिए तुम मुझे 20,000 रुपये उधार दे सकते हो? मैंने अपना बटुआ बस में खो दिया, आई लॉस्ट माई वॉलेट इन द बस, आई लॉस्ट माई वॉलेट इन द बस। वॉलेट को बटुआ, पर्स, जो भी आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सेंटेंस वी हैव, डॉक्टर ने हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया। द डॉक्टर प्रोनाउंस्ड
him dad on arrival at the hospital. ये word भी newspaper में बहुत यूज pronounced. The doctor pronounced him dead on arrival at the hospital. उसने अपने बाल काले रंग किए. She dyed her hair black. She dyed her hair black. Dye means रंग करना. Next one we have. दरवाज़ा बार बार मत खोलो, तुम्हारी उंगली गेट में अटक जाएगी. Don't open door again and again. Your finger will stuck in the door. Don't open door again and again. Your finger will stuck in the door. Okay, that's all. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.